सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर उबर ईट्स व्लॉग आई वुड से। तो भाई हम लोग आज देखो थर्सडे है, वीकडे है और हमको मिला है छुट्टी जॉब से, तो मैंने सोचा क्यों ना उबर करने के लिए जाए, और वैसे भी छुट्टी के दिन मैं उबर ईट्स कर ही देता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग भी बना दिया जाए इस बार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सुबह दिन की शुरुआत देखो अच्छे मौसम से हुई थी, बट जैसे ही दोपहर हुई साला मौसम ने धोखा दे दिया, बारिश गिर रही है। हालांकि इतनी नहीं गिर रही है, बट लेट्स सी उबर ईट्स के कैसे ऑर्डर आते हैं कैसे नहीं। एंड यस, अपन नहा धो के मस्त फ्रेश होकर निकल चुके, अपना मस्त बैकअप वाला सामान लेके, खाना पीना लेके, ठीक है, और कर रहे उबर ईट्स ऑनलाइन हो चुका हूँ मैं। लेट्स सी, अभी ये देखो इधर है ऑनलाइन दिख रहा होगा, अभी देखते हैं फर्स्ट डिलीवरी कब आती है और क्या सीन है क्या नहीं आपको बताऊंगा। और आज एम रहेगा कि 8-9 घंटा खींच लूँ रात तक, 10-11 बजे तक, है ना। सो लेट्स सी, अभी तक जो मैंने उबर वो लास्ट वाला जो व्लॉग डाला था उसमें मैंने वीकेंड पे किया था संडे को, और आज वीकडे पे कर रहा हूँ थर्सडे। सो संडे को तो आपने देखा ही होगा कि मेरे को मैं कितना अर्न किया था, क्या टिप मिला था, क्या है क्या नहीं, बट लेट्स सी आज वीकडे हाउ मच आई कैन मेक, ठीक है, वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। एंड आज अभी मैं थोड़ा ये ब्लॉग में थोड़ा सा डिटेल में ये बारे में बताऊंगा कि लाइक कौन से एरिया में यहाँ पे जो करता हूँ मैं बिजी रहता है, और क्या क्या पीक टाइमिंग्स है, ठीक है, वो उसमें आपको करना चाहिए। सो बने रहे ब्लॉग में, एंड होप डिलीवरीज मिल जाए, भगवान का नाम लेके चालू कर दिया। सो लेट्स सी हाउ इट गोस, स्टे ट्यून्ड। A few moments later. Guys, I'm in Brampton right now and just got the first delivery. Total है $15 and around 12 kilometer something है. So it's pretty good. ठीक है, जो $15 है और उससे कम kilometers भी है. So चलते हैं, ज़्यादा डॉलर इसलिए मैंने सिलेक्ट कर ली, वरना फिर इतने ज़्यादा किलोमीटर भी मैं मतलब करता नहीं हूँ एक्सेप्ट डिलीवरी। बट एनी वेज जो भी है करते हैं अपन, ठीक है। सो फर्स्ट डिलीवरी आ चुकी है, पिकअप करने जा रहा हूँ फूड, एंड उसके बाद डिलीवर करेंगे। सो लेट्स सी कहाँ का है, शायद दोस्तों पिकअप इज डन। ये देखो ये इधर प्लाजा है, उधर मेरा पिकअप था, एक दो ऑर्डर थे शेल्बी शावरमा करके और एक था बरीटो में से, तो एक ही प्लाजा में से तीन पिकअप थे, इसलिए बड़े डॉलर की डिलीवरी थी। सो अभी पहला करने जा रहा हूँ ड्रॉप, ठीक है, एंड पहले बरीटो वाला है, फिर वो शावरमा वाला, दो पार्सल ड्रॉप करना है। सो यप, करते हैं फटाफट ड्रॉप और फिर नेक्स्ट लेवल का वेट करेंगे। भाई मौसम हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना, ठंड है बट बारिश गिर रही है, तो फिर वही चाय पकौड़ों की याद आती है बारिश में। बट अभी चाय तो है नहीं, बट मैं घर से ब्लैक कॉफ़ी बना के ले गया था, इसीलिए कि भाई बाहर माहौल अच्छा है और बाहर ठंडा होगा, अंदर थोड़ा गर्म रहने के लिए ब्लैक कॉफ़ी लगाएंगे, तो ये सीपर में क्या है ज़्यादा देर गर्म भी रहती है तो मज़ा आता है। वही है, गाने वाने चल रहे हैं, देखो गाने तो मैं बजा नहीं सकता, कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं एंजॉय करता हूँ बारिश, ब्लैक कॉफी और गाने, आप वेट करो मेरे वापस आने का। ओके, सो गाइस वैसे तो मैं अभी ये जो ऑर्डर मैंने लिया वो ड्रॉप ऑफ करके बाद में थोड़ा व्लॉग बना था, बट भी मैं जो एरिया में आया वहां पे अगर मैं आया और मैंने व्लॉग नहीं बनाया, ठीक है, तो वो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं वो एरिया में हूँ जहाँ पे मैं सबसे पहले पहली बार जो मैं बेसमेंट में रह रहा था 2021 में, जब मैं स्टार्टिंग में ब्लॉग बनाया करता, तो जिस लोग ने देखा होगा, जो लोग ने उनको पता होगा कि मैं बेसमेंट में रहता था अकेला, ठीक है, भूतों की तरह, तो वो वही एरिया है। देखो यहाँ पे सामने स्कूल था और ये एल्बन मार्केल ड्राइव मेरा एड्रेस था पहले, एल्बन मार्केल ड्राइव पे, ठीक है, तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। आई थिंक वो वाले घर पे तो नहीं है ड्रॉप ऑफ, बट उसके सामने ही है कहीं पे। मैं आपको शायद देखो अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको ना रोक के मैं आपको बताता हूँ मेरा बेसमेंट घर कौन सा था, ठीक है, मेरे को ड्रॉप कर लें दो ऑर्डर, बताता हूँ मैं आपको। भाई देखो मैं आपको है ना मैं आपको घर का नंबर तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, सीधी सी बात है, बट एल्बन मार्केल ड्राइव पे मेरा घर था, इन्हीं कुछ घरों में से एक था, ठीक है, इसी नंबर में नहीं बताऊंगा मैं, इन्हीं कुछ घरों में से एक घर में रहता था एंड बेसमेंट में रहता था, और वो यही रास्ता है जहां से मैं आई यूज़ टू गो बाय बाइसिकल और बाय वॉक, बस में जाना हो पीछे ही गो स्टेशन आएगा अभी आगे, अभी मेरे को नेक्स्ट डिलीवरी पता नहीं कौन सी जगह है, बट हाँ जी भाई वो यही रास्ता है जहाँ से मैं रात को लेट जॉब से आता था चल के, और सुबह जब जॉब जाना था कॉलेज जाना तो यहीं से मैं जाता था चल के। भाई आगे कभी पार्क आएगा और स्कूल है, क्रिकेट का ग्राउंड भी आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ आगे, भाई पुरानी यादें ताजा होगी।
एल्बन मार्केल ड्राइव, फर्स्ट फर्स्ट हाउस जहाँ पे मैं रहा हूँ कनाडा में आके। भाई ये जो सामने आपको बस स्टैंड दिख रहा है, वही बस स्टैंड से मैं बस लिया करता था, और वो यही रास्ता है जहाँ से मैं, पुरानी यादें ताज़ा हो गई यार, पूरा मतलब वो विजुअल आ रहा है कि यही रास्ता है जिससे मैं दौड़ के जाता था जब मेरे को लेट होता था बस पकड़ने के लिए, ताकि मैं शिफ्ट पे लेट ना पहुंचूं। भाई नॉस्टैल्जिया हो गया, नॉस्टैल्जिया ही बोलते ना, क्या बोलते उसको, जो भी है हो गया, अपनी देसी भाषा में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। 2000 years later. So, दोस्तों वापिस स्वागत है आप लोग का व्लॉग में, सेकंड टाइम। आप लोग सोच रहे हो वापिस क्यों स्वागत कर रहा हूँ, और लास्ट क्लिप जो देखी थी आप लोग ने वो थी एकदम डार्क बारिश वाली, और अभी तो पूरा मस्त धूप धूप निकला हुआ, ठीक है, माहौल एकदम मस्त सेट हो चुका है। तो सीन वो हुआ था कि वो जब मैं व्लॉग स्टार्ट किया था उबर के, नहीं वो थर्सडे था, तो मेरे को तीन चार डिलीवरी आई स्टार्टिंग में अच्छी वाली है ना, फिर बारिश इतनी तेज़ हो गई और डिलीवरी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना गैस बर्बाद करे, उससे अच्छा घर पे चले जाते हैं कुछ और कर लेते हैं। फिर मैं उस दिन घर पे चला गया तो फिर व्लॉग बनाया नहीं, एंड आज है सैटरडे, ठीक है, फ्राइडे पूरा दिन मेरा जॉब में निकल गया, सैटरडे आज भी जॉब थी बट मैं 6 बजे छूट गया था, तो आई हैव टाइम, तो ठीक है व्लॉग भी बन जाएगा और अपना ऊबर का काम भी हो जाएगा। तो मैं अभी देखो फटाफट निकल चुका हूँ, ठीक है, आज है सैटरडे, आप लोग को टी शर्ट भी सब कुछ अलग दिख रहा होगा बट जो है यही है। तो अभी चालू करते हैं ऊबर फटाफट, और आज होप करते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करना है, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है सारा, जिस दिन घर से निकलता हूँ ना कि आज तो अच्छा दिन जाएगा, आज डिलीवरी आएगी, मज़ा आएगा, बिजी दिख रहा है ये वो सारा, उसी दिन लोचा पड़ जाता है। नो एक्सपेक्टेशन, बस जाओ मस्त, भगवान का नाम लेके अच्छे मूड से गाने वाने बजाऊंगा, और हाँ गाने, और मैं साला मेरे को ये होता है कि मैं वाइब करता हूँ गाने पे, आप लोग को भी वाइब कराना है, बस साला ऐसे गाने मेरे को ढूंढ के बताओ कि जिस पे सब लोग वाइब भी कर सके और कॉपीराइट भी ना आए। यूट्यूब पे कॉपीराइट का बहुत, एक तो ऊपर चैनल उठ नहीं रही, व्यूज आ नहीं रहे, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, और ऊपर से कॉपीराइट वाले अपना पीछा छोड़ देनी है, तो बहुत बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत है। तो हाँ यही है, अभी देखो व्लॉग चालू हो गया, ठीक है, जैसे डिलीवरी आती है बताता हूँ आपको क्या सीन है क्या नहीं, और रात में जाऊँगा मिसेज का इटोबी को, बिजी एरिया। सो गाइस जस्ट रिसीव द डिलीवरी, बट द थिंग इज थोड़ा अमाउंट कम है, डॉलर्स कम है, बट अच्छी बात यह है कि जो बिजी एरिया में मेरे को जाना था तो ये डिलीवरी मेरे को वहीं पे ले जा रही है, हालांकि किलोमीटर ज़्यादा है, बट अगर वैसे भी ज़्यादा तो बिना कुछ कमाया जाता, उससे अच्छा है थोड़ा तो थोड़ा डिलीवरी से कमा के वो एरिया में पहुंच जाते, तो वो चीज़ अच्छी है। तो चलते हैं फटाफट और ड्रॉप करते हैं, ठीक है, एंड फिर मैं बताता हूँ मैं कौन से एरिया में हूँ। सो दोस्तों मैं जो पिछले वाली डिलीवरी थी वो मैं बोला था ना बिजी एरिया में जा रहा हूँ, तो मैं आ गया इटोबिकोक में, ठीक है, इटोबिकोक में आने के बाद मेरे को एक और डिलीवरी आई है, आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, $34 फॉर वन डिलीवरी, ठीक है, बट द कैच इज को इटोबिको से मेरे को नॉर्थ यॉर्क ले जाएगा, ठीक है, और नॉर्थ यॉर्क भी एक बिजी एरिया है। वैसे मैं ब्रैम्पटन से स्टार्ट किया था, मिसिसागा पहुंचा, मिसिसागा इधर आया, फिर इधर से नॉर्थ यॉर्क, बट एनीवेज $34 कौन छोड़ेगा यार, है ना, तो चलते हैं फटाफट पिक कर लेता हूँ और फिर उधर जाकर डिलीवर करते हैं, एंड उधर भी बिजी एरिया है तो उधर भी मैं फ्री तो नहीं रहूँगा, मतलब मेरा गैस वेस्ट नहीं होगा। सो जो भी है पैसे बन रहे, सो इट्स अ गुड न्यूज़। सो फटाफट पिकअप करते हैं, ठीक है, एंड बीच बीच में अगर वो मैप का आवाज़ आया तो मुझे माफ़ करते रहना, और मैं जानबूझ के मैंने वो ऑन रखा है क्योंकि कभी कभी क्या है कि अपना ध्यान नहीं रहता, नज़र नहीं रहती, कुछ लाइक थाट्स में खो जाते, तो फिर वो अपन को जगाती है ये वाली जो औरत है वो, क्योंकि बाजू में बैठने वाली जो औरत थी वो अभी 15,000 किलोमीटर दूर है, तो इसी वजह से मेरे को ये इसको लेके घूमना पड़ता है, ये टैडी को, इसको बेल्ट पहना के देखो, ये सब मेरा खाने पीने का, पीने का सामान सब उसने पकड़ के रखा है मेरे पांडा ने। यस गाइस लेट्स गो टू पिक अप एन ऑर्डर, सी यू लेटर। तो दोस्तों कभी कभी जैसे ऑर्डर होता है वो ऐसा अपार्टमेंट्स में होता है, तो कभी कभी क्या पार्किंग नहीं मिलता है, तो एक अच्छी स्पॉट ढूंढ के फिर थोड़ा सा चल के भी जाना पड़ता है, बट देखो ये जो बिजी एरियाज होते हैं उसमें दिक्कत यही होती है कि पार्किंग ढूंढना इट्स डिफ़िकल्ट, बिकॉज अपार्टमेंट्स होता है, फ्लैट्स होता है, उसमें ज़्यादातर वो लोग अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, फिर हमको रोड पे पार्किंग करनी पड़ती है, सो वो थोड़ा स्ट्रेस है, वरना पैसे अच्छे हैं, बट आपको थोड़ा पार्किंग का देखना पड़ेगा,
मैं पहुंच चुका अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है, ड्रॉप ऑफ करता हूँ, ये रहा ऑर्डर, मिलता हूँ फिर आपको। तो गाइस जैसे वो पिछली $33 वाली जो डिलीवरी थी उसके बाद मेरे को और एक डिलीवरी आ गई थी $18 की, बहुत नज़दीक में था। ये देखो 3 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है, और एक है फिर 4 किलोमीटर का, सो एक मैंने कर दिया, और एक है ये देखो टिफनी करके है कुछ, ठीक है। इसका देखो ये सही है 32 मोबाइल ड्राइव, दैट मीन्स उसका घर है ना कि फ्लैट है, तो ड्रॉप करने के लिए ईजी रहेगा, स्ट्रेस फ्री। बट आई एम इन द नॉर्थ यॉर्क, गाड़ी आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, आ ही रही होगी, बट फिर भी मैं एक चीज़ बता चाहूँगा कि भाई जैसे इंडिया में होता है ना कि गांव में चलाना या फिर सोसाइटी के अंदर सिटी एरिया में चलाना, और जो मेन ओल्ड सिटी एरिया होता है अपने प्रॉपर सिटी का उसमें ट्रैफिक में चलाना, तो ब्रैम्पटन ये वो अंदर अंदर चलाना और डाउनटाउन के साइड नॉर्थ यॉर्क इटोबिकोक में गाड़ी चलाना, इट्स अ होल डिफरेंट टास्क, तो बहुत केयरफुली चलाना पड़ता है। इसलिए वाइल ड्राइविंग आई एम नॉट शूटिंग राइट, फिर अपन खुद ना शूट हो जाए, तो यही सीन है। अभी चलते हैं, रुक जाओ, हाँ अभी दिख रहा होगा तुम्हारा भाई तुमको, अभी चलते हैं टिफनी के पास, टिफनी को हाई बोल के ऑर्डर ड्रॉप करके फिर इट्स ये देखो ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, ठीक है, अभी तक मैं दिखा देता हूँ क्या सीन है अपना। $46.65 वो भी 2 घंटे में भाई, लिटरली आई स्टार्टेड एट 7:15 एंड 10 बजने आए, वैसे 3 घंटे बोल सकते हो आप, ठीक है, बट अभी और एक दिन के पैसे आने बाकी है, तो इट्स ऑलमोस्ट $60, ठीक है, अभी हो जाएंगे जैसे एक डिलीवरी ड्रॉप करूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस, इधर अपन व्लॉग ख़त्म करेंगे, एंड जो भी आप लोग ने देखा उबर ईट्स का, ठीक है, इतना मैंने ये वीक में बहुत कम किया था, जितना किया मैंने उतना व्लॉग बना के अपलोड कर देंगे। सो ये वीक का थोड़ा ठंडा ही रहा है, ठीक है, मैंने ज़्यादा ना किया है उबर और ज़्यादा ना पैसे बनाए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जॉब था तो आई कुडंट गेट टाइम, बट द थिंग इज़ अगर आपको कुछ भी हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, जो भी वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा, क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आपको अगर बताना हो तो, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेड। And yes, that's it for this one. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye. Peace out. Grind never stops. Bye bye.